नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इष्टो तक पर। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बृहस्पति देव जो कि 11 अक्टूबर 2018 को रात्रि में लगभग 8:40 के करीब जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति से आपको अवगत करा दूं कि बृहस्पति देव तुला राशि के अंदर शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल अर्थात 11 अक्टूबर 2018 को बृहस्पति का होगा राशि परिवर्तन। जाएंगे अपने सखा, अपने मित्र मंगल की राशि जो कि काल पुरुष का अष्टम भाव जो कहलाता है वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि के अंदर बृहस्पति देव का गोचर हर तरीके से सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, बृहस्पति आपकी बॉडी के अंदर जो वसा, जो चर्बी होती है उसका कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति जो है आध्यात्म का भी कहीं कहीं कारक क्या ज्यादातर कारक माना जाता है, और बृहस्पति ज्ञान देता है, गूढ़ ज्ञान देता है। और बृहस्पति यदि अष्टम भाव के अंदर आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जो है गूढ़ विद्याएं आने लग जाती है। कुछ वो इस तरीके से उपाय अपना लेता है, कुछ इस तरीके से अपनी जिंदगी का सिस्टम बना लेता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को दैवीय शक्तियों के करीब पाता है। तो बृहस्पति जब जब राशि परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं शुभता की प्राप्ति होती है। पिछले कई महीनों से बृहस्पति जो है तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब अपने मित्र की राशि अर्थात मंगल की राशि के अंदर बृहस्पति देव का गोचर हर राशि वाले व्यक्ति विशेष के लिए कहीं ना कहीं शुभता लेकर आया है। तो बृहस्पति जब जब राशि परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं कल्याण की जो है दृष्टि से ही करता है, क्योंकि बृहस्पति की पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि मानी गई है। बृहस्पति जिस जिस जगह देखता है उस जगह उस भाव की जो है वो वृद्धि कर देता है। बृहस्पति के बारे में और आपको ज्ञान दे दूं मित्रों कि बृहस्पति के निमित्त जो है कुछ ना कुछ जो आप उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो बहुत जल्दी बृहस्पति देव जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पीला वस्त्र दान करते हैं, बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए आप चने की दाल का दान करते हैं, हल्दी का दान करते हैं, केसर का दान करते हैं, स्वर्ण का, पीले जो है पीतल के जो बर्तन होते हैं उनका दान करते हैं। हर तरीके से आपके ऊपर बृहस्पति देव अपना सुप्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब आपको बता देता हूं, यदि आपकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति छठे, आठवें या फिर बारहवें घर के अंदर है, बृहस्पति आपकी पत्रिका के अंदर राहु के साथ है, बृहस्पति आपकी पत्रिका के अंदर अस्त है, बृहस्पति आपकी पत्रिका के अंदर 0 डिग्री के हैं, बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, या फिर आप तुला लग्न के हैं, या बृहस्पति आपकी पत्रिका के अंदर कहीं ना कहीं जो है दुस्थान का स्वामी यानी खराब स्थान का स्वामी है, तो कैसे इस राशि परिवर्तन के साथ साथ बृहस्पति के सुप्रभाव को प्राप्त किया जाए। बहुत सारे उपाय हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जब जब किसी भी राशि के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। अपने मित्र राशि में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे इनका दिखाई देगा, लेकिन बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है मित्रों जो आपको ज्ञान दे, जो आपको सद्मार्ग पर लाए, जो आपको शिक्षा दे, जो आपको सिखाए, जो आपको पढ़ाए। गुरु आपके गुरु जिसने आपको शिक्षा दी वो हो सकते हैं, पिता आपके गुरु हो सकते हैं, माँ आपकी गुरु हो सकती है, बहन आपकी गुरु हो सकते हैं, भाई आपके गुरु हो सकते हैं। तो गुरु जो आपको एक डायरेक्शन दे, आपको मोटिवेट करे, वही आपके गुरु। अब एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको बताता रहता है, तो एस्ट्रो तक भी आपके लिए गुरु हो गया, एस्ट्रो गुरु कह सकते हैं आप। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपने गुरु का आदर करना चाहिए, अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, साथ ही साथ मस्तक पर हल्दी या केसर का आपको तिलक करना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और आपको एक उपाय बताता हूं, जब आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगता है कि बृहस्पति की राशि परिवर्तन के साथ साथ आपके कार्य बिगड़ने लगे हैं, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का हल्दी की माला से या फिर पीले हकीक की माला से आपको नित्य प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए, इससे आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। और आपको बताता हूं, इसके करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए,
अपने गुरु के सानिध्य में जो है कोई भी आप शिक्षा दीक्षा जो भी आप लेते हैं उनके चरण स्पर्श करते रहना चाहिए, समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। भेंट देने का अर्थ यहाँ पर कोई लालच से नहीं है, भेंट देने का अर्थ है जब आप उनके भेंट उन करने जाएंगे, जब आप उन्हें कोई गिफ्ट देने जाएंगे तो आपको अवसर मिलेगा अपने गुरु के चरण स्पर्श करने का, मात्र हमारा यही उद्देश्य है। तो और गुरु को उपाय मैं आपको बता देता हूं कि गुरु को प्रसन्न करने की गुरु स्तोत्र का आप पाठ करें, गुरु कवच का आप पाठ करें तो हर तरीके से आपको शुभता मिल जाती है। और आपको एक उपाय बताता हूं कि जब जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करें तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर परिवार के सभी सदस्य साल में एक बार सीताफल का, काशीफल का, जिसे हम कहते हैं ना कद्दू जिसे बोलते हैं, उसका आपको दान अवश्य करना चाहिए। परिवार के जितने सदस्य हैं, छोटा है जो है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसका दायां हाथ उस सीताफल पर स्पर्श करा के किसी भी धार्मिक स्थल पर उसको दान कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि परिवार के व्यक्ति विशेष जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हर तरीके से अपने परिवार के अंदर समय समय पर हर पूर्णिमा पर आपको सत्यनारायण व्रत कथा करानी चाहिए, बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, छोटे छोटे दो केले के पौधे लगा देने चाहिए, हर तरीके से अपने परिवार के अंदर कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यक्रम आपको कराते रहना चाहिए। तो मित्रों, ये गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में आपको छोटी छोटी मैंने जानकारियां दी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होंगी और इन उपायों को आप अवश्य अपनाइएगा। एस्ट्रो तक में बस इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ मैं आचार्य सचिन शिरोमणि फिर आपकी सेवा में आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।